दोस्तों, क्या ईशान बग्घा ने दिया है सिमरन नरूला को धोखा और क्या हो गया है इन दोनों का ब्रेकअप? इन दिनों सोशल मीडिया पर ये सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक ईशान और सिमरन नरूला की जोड़ी सोशल मीडिया के सबसे क्यूट कपल्स में से एक थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं? वीडियो में हम यही सब जानेंगे और सुनेंगे ईशान बग्घा की वायरल कॉल रिकॉर्डिंग भी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सिमरन नरूला की फैमिली ईशान को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बात करें ईशान की तो ईशान का पूरा नाम ईशान बग्घा है। नरूला फैमिली की तरह ये भी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। ईशान की फैमिली में इनके माँ पापा हैं जहाँ से इन्हें बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है। सिमरन फेमस नरूला फैमिली से बिलोंग करती हैं। सिमरन के पापा एक बिजनेसमैन हैं। सिमरन के भाई सैम नरूला और रीत नरूला सोशल मीडिया के फेमस कपल हैं। सिमरन और ईशान को सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि टिकटॉक से मिली, जो अब इंडिया में बैन हो चुका है। टिकटॉक पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। ईशान को सिमरन बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिमरन को मैसेज किया, क्योंकि ईशान भी देखने में हैंडसम, क्यूट और फेमस थे। तो सिमरन ने ईशान को रिप्लाई दिया और ऐसे ही इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों बाद इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि ईशान सिमरन को पसंद करते थे तो उन्होंने सिमरन को प्रपोज कर दिया। दोस्तों, पहले तो सिमरन ने इनकार किया, पर कुछ टाइम बाद ही सिमरन भी ईशान को पसंद करने लगी और कुछ टाइम के अंदर ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद ईशान ने सिमरन के भाई से दोस्ती कर ली और सिमरन की फैमिली में आना जाना स्टार्ट कर दिया। ईशान का नेचर सिमरन की फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया और सिमरन की फैमिली में ईशान एक खास सदस्य बन गए। फिर कुछ टाइम बाद सिमरन ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया कि वो ईशान से प्यार करती हैं और शादी भी करना चाहती हैं। पहले तो सिमरन के पिता ने इस रिश्ते से इनकार किया, पर जब उन्होंने देखा कि घर का हर सदस्य इस रिश्ते के लिए तैयार है तो वो भी इनके रिश्ते को तैयार हो गए। फिर दिसंबर 2021 में दोनों फैमिलीज के साथ मिलकर दोनों की एंगेजमेंट हुई। इनके एंगेजमेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हर किसी को पसंद आने वाले ये प्यारे कपल का रिश्ता क्यों टूट गया। तेनू पहली बार तकिया ते इंज लग्या जिवें पटक दे राही नू निराह। सिमरन अपने भाई और भाभी के साथ कनाडा रहती हैं। कुछ टाइम पहले जब वो इंडिया अपने घर आई थीं, तो उन्हें ईशान के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिन पर वो यकीन नहीं कर पाईं। लेकिन जब उनको ईशान की कॉल रिकॉर्डिंग मिली तो वो उसे सुनकर हैरान रह गईं। वो सोचने लगीं कि कैसे उन्होंने ईशान पर इतना भरोसा किया। उस रिकॉर्डिंग में ईशान एक लड़की से बहुत ही वल्गर बातें कर रहे थे। ये रिकॉर्डिंग किसी और ने नहीं, जिससे ईशान बात कर रहे थे उसी लड़की ने वायरल कर दी। ये रिकॉर्डिंग अभी हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, ईशान का कहना था कि वो सिमरन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिमरन के सामने ये भी आया कि ईशान उनकी एंगेजमेंट के बाद भी बहुत सारी फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। हाल ही में सिमरन ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे सैड वीडियोस पोस्ट किए थे। अब उन्होंने वो सैड वीडियोस डिलीट कर दिए हैं और डिलीट कर दिए हैं ईशान के साथ वाले फ़ोटो और वीडियोज़ भी। मतलब ये कि सिमरन ईशान की यादें बिल्कुल मिटा देना चाहती हैं। हालांकि स्टोरीज में वो काफ़ी सैड और टूटी हुई नज़र आती हैं। सिमरन का दिल पूरी तरह से टूट गया है। ईशान ने न सिर्फ सिमरन को धोखा दिया है, बल्कि उनके पूरे परिवार को धोखा दिया है। चलिए दोस्तों, अब ईशान बग्घा की वो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बड़ी ना क्यूरियोसिटी थी फ्रॉम डे वन। नहीं, डे वन जो कार सेक्स था वो ही इतना अच्छा था। उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो ही इतना अच्छा लगा तुम्हें? मैं आज से दो दिन डिप्रेशन में रही। मैंने कहा इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता। या तो ये कोई सिरे का वो होता ना, कैंडी बॉय कैसिनोवा टाइप है, या तो रब्बा कैसे बताऊँ। नहीं, बट काउंट मेरा कम है बेबी, सीरियसली माय काउंट इज ऑन गर्ल्स, लाइक गर्ल्स वाली बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे सेक्स काउंट तो पता नहीं, गर्ल्स काउंट है मेरा मे बी। अच्छा, अलग अलग काउंट्स हैं ये?
गर्ल्स काउंट मेकआउट्स 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 इज मे बी 5 to 6 गर्ल्स मे बी हाँ क्योंकि मेरा 8th क्लास में 7th क्लास में भी मेरा फर्स्ट सेक्स था हे भगवान आई है हम तो उम्र निकाल दिया ऐसे मैं तो उम्र भर बच्ची रहेगी अच्छी बात है मेरी एक्चुअली ना जो मेरी सोसाइटी थी ना वो जो मेरे साथ अभी घूमते हैं वो भी मेरे से 8-10 साल बड़े ही हैं तो मैं अपने जो मेरे हम उम्र है मैं उनके साथ नहीं घूमता अच्छा तो मतलब ओके नाइस मैं तो मेरे को 2 दिन तो आगे डिप्रेशन रहा था मैंने कहा यार इसका तगड़ा ही काउंट होगा नहीं नहीं इतना काउंट नहीं यार आई स्वेयर मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही है कुछ बट इतना ज्यादा एग्जैक्ट था ना थैंक यू मैं मतलब कांट बिलीव वाला था कि जो जन्नत दिखाती दूंगा वो वाला एग्जैक्ट मतलब तुमने जन्नत देख ली ना हाँ ठीक है फिर तो अच्छी बात है भाई लड़की कुछ कर दी मैंने नहीं पर मेरा ना कभी मतलब ऐसे मतलब कभी मेरा बैड सेक्स कभी नहीं गया मेरा सीरियसली भगवान की दिया है शुरू से ही होता है हाँ नहीं सीरियसली भगवान की दिया से कभी मेरा बैड सेक्स कभी नहीं गया मेरा मैं भी फुल सेटिस्फाई होता हूँ हाउ ऑफन मतलब मतलब कितने टाइम के बाद यार ऐसे नहीं होता वैसे मतलब मैं वेट कर लेता हूँ ऐसे नहीं कुछ मतलब कि मेरे को तलब नहीं लगती ऐसे ना आई कैन होल्ड माई सेल्फ इजीली लास्ट कब था वेट तुम्हारे साथ उसके पहले लास्ट कब था मे बी 6 months बैक 5 or 6 मंथ्स बैक इतना लंबा गैप नहीं है हाँ कसम से यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैं इतनी चीजें सच बता दी हाँ जी मेरे को खुद में स्पेशल फील होने लगा यार मतलब इतना नहीं नहीं सीरियसली तो फ्रेंड्स ये थी ईशान बग्गा और सिमरन नरूला की ब्रेकअप स्टोरी उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक और कमेंट करके जरूर दें वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में